अस्सलाम यू ऑल वाचिंग जी मैनियक, मैं हूं कासिम अली, मेरे साथ हैं उमर भट्ट साहब। कैसे सर? ठीक ठाक है सर? आपका शुक्रिया, आपने अगेन अपना कीमती टाइम दिया हमें। व्यूवर्स उनका शुक्रिया, वो हमें टाइम दे रहे हैं अपना, और उनके क्वेश्चन से कुछ उसमें से कुछ एक चीज में लेके आया हूँ। सरकार भट्ट साहब, लड़कों के ना पोस्टर गिरे होते हैं, वो एक बॉडी शेप थोड़ी सी इतना शोल्डर गिर जाते हैं किसी के, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वर्कआउट है, क्या करना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और उनका क्या प्लान है, कितने अर्से में वो रिकवर हो जाता सी, होता भी है कि नहीं होता, तो ये थोड़ा सा हमें जरा गाइड कर दें यार। ये जो बेसिकली होता ना, जिन लड़कों का पोस्चर थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर जाता है, आपके स्पाइन होते हैं बैक पे, वो स्पाइन समटाइम आपका वीक होता है, वो कोई बीमारी भी होती है, वो कुछ आपकी न्यूट्रिशन होती है, कुछ आपको जेनेटिकली ये चीज मिल जाती है, तो स्पाइन वीक होने की वजह से भी ना पोस्चर थोड़ा सा गिर जाता है, तो उसके लिए वर्कआउट होता है, वो फ्री वेट आपको करना होता है। अगर आप उसको अपनी डेली रूटीन में नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में 3 दफा लाजमी करें। कितनी एक्सरसाइज है भट्ट साहब? उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, वो भी बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, कोई उसके अंदर इतना नहीं है। उसमें आप लेके चले गए अपना जिसको बोलते हैं रिवर्स प्लैंक होता है, उसमें उसमें 8 चेक होती है, ये 2 वर्कआउट हैं, आप इसको अपनी वर्कआउट रूटीन में शामिल कर लें, तो उससे ये है कि आपको इंशाल्लाह कम अज कम 4 हफ्तों में आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपका पोस्चर सीधा हो रहा है या नहीं होगा। बैठने को उठने से तो नहीं होता। दूसरा ये भी होता है कुछ लड़कों का बैठने का होता है बिल्कुल इस तरह होकर बैठ जाते हैं, इस तरह होंगे यूं बैठ जाएंगे, या आप उनसे बात कर रहे हो तो समझते, कई लड़के यूं बैठते हैं, तो ये पोस्चर भी ना आपके स्पाइन के ऊपर इफेक्ट करता है, चीज आपकी ना वीक रह जाती है, आपको जब आप बैठे बिल्कुल स्ट्रेट अप रख के बैठे अपनी बैक को, ठीक है, उससे भी आपके पोस्चर को फर्क पड़ता है। खुद भी चलते फिरते चीज को माइंड में रखा करें, आपको थोड़ा स्ट्रेट रह के चलना है, ढीला रह के चलना, इससे भी वो आपकी आदत पक्की हो जाती है। वैसा है कि इसके लिए फिर हम आपको जिम में लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको डेमो देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करें, उसमें जो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका रिवर्स प्लैंक है उसको आपने होल्ड पोजीशन पे रहना है तकरीबन 10 सेकंड के लिए। ओ कितनी है? 4 सेट उसके करने हैं आप, ठीक है, और उसके बाद जो आपको मैं 8 चेप बताऊंगा उसके अंदर आपने 8-10-12 रैप करने की कोशिश करनी है, 3-4 सेट उसके करने, एक दिन छोड़ के एक दिन उसको चलाते नहीं, तो इंशाल्लाह काफी फर्क पड़ जाएगा आपको, पोस्टर को जम जाएगा। ठीक है भट्ट साहब, चलिए हम भी कोशिश करेंगे उठते बैठते हुए सीधा देखिए जरा सीधा रहो, खाली नहीं वो सीधे ठोक भी देने सीधा नहीं कह रहे थी, आकर के नहीं चल रहा, इंसाना मैं बंदे अंदर रहा कि मेरा सीधे रहा चलो सीधा रहा, बाकी ओके है, बाकी इंशाल्लाह भट्ट साहब चले नहीं कैमरे में चलते आज भट्ट साहब। Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying. वो ये बोलते हैं रिवर्स प्लैंक होता है, जिन लोगों के स्पाइन वीक होते हैं ना, आपके यहाँ पे स्पाइन होते हैं, वो स्पाइन जब वीक होता है तो उसकी वजह से ना आपका पोस्चर ना थोड़ा नीचे की तरफ ना ढल जाता है, ये जो शोल्डर गिरे होते हैं वो ठीक है, ये आपका ना स्पाइन जो होते हैं ना अपर के कुछ वीक होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन उसके लिए ये स्ट्रेचिंग है जिसको आप रिवर्स प्लैंक कहते हैं। कितनी दफा करना है रिवर्स प्लैंक को? अगर आप इसको 10-10 सेकंड के से स्टार्ट करें तो 3-4 दफा कर लें 1 मिनट, उसके बाद आस्ते आस्ते उसको बढ़ाते चले। सर जी ये रोज भी की जा सकती है एक्सरसाइज? हाँ आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं इसको, अपने आफ्टर वर्कआउट आप इसको लगा लें, 10-10 सेकंड का एक सेट, 3 सेट कर लें, 3 सेट 10 सेकंड आपने आपको वहाँ पे स्टे रखना है, उसके बाद आप रेस्ट लें भी फिर 10 सेकंड स्टे रखें। चले अब ये दूसरी एक्सरसाइज है जी, ये किसके लिए? ये भी इसी पोस्टर के लिए, आपके स्पाइन के लिए होता है ये भी, इसको बोलते हैं 8 चेप, ठीक है। चलो ये जरा प्रॉपर बता दीजिएगा भट्ट साहब कैसे इसका ये पोस्टर सारा शेयर कीजिएगा। अगर ये डर लग रहा है तो बाबू को छूट कर दूसरा, ये छोड़ दीजिए बाबू, ये छोड़ दीजिए।
था ऐसे, ये राजा का ये भी आपकी फाइटिंग होती है, इसका सारा जो सरकार आपकी साइड से लेता है इस साइड, वो स्पाइन यहाँ पे होती है जो वीक होती है, जिसकी वजह से आपका पोस्टर जो होता है ना वो थोड़ा ढलक जाता है। इस तरह ही इसके भी तो आप उसको रेपिटेशन में करें, इसमें तो आपको तो हैंग नहीं करना अपने आप, इसमें आप 10-10, 12-12 की कोशिश करें लगे, उसको आप फिर हंसने, फिर 8-10-12 दफ़ा करें, फिर हंसने, तीन ये तीन। इसमें सर जी हम अपना वो वर्कआउट जो प्लान है वो वैसे ही लेके चल सकते हैं, वो वैसे ही चलेगा, मसला नहीं है, वैसे ही चलेगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। कितना टाइम लेगी ये चीज? ये अब देखिए, ये तो आपकी बॉडी का अपना स्कोप होता है, वैसे नॉर्मल 4 हफ्ते कम से कम, मिनिमम 4 हफ्तों का, 4 हफ्तों का। तो आप अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी करते हैं तो भी बेटर है, अगर डेली नहीं भी कर रही हो ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन की जा सकती है, लेकिन करें ना ये 2-3 दफा भी करेंगे तो एक महीने में 12 दफा हो जाएगी, ठीक, कोई आपको फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है।